हेलो दोस्तों, तो आप सबका इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आपका ओजेई का ऑफिशियल वेबसाइट में आ चुका है, 26 तारीख को आपका जो ओजेई जिस जिस बच्चे में दिए थे उनका रिजल्ट आ चुका है। तो आपका बीटेक, एमटेक, एमफिल, एमसीए जिस जिस बच्चे ने दिए थे तो उनका रिजल्ट आ चुका है। आपका 22,406 बच्चे इस बार ओजेई अप्लाई किए थे, जिसमें बीटेक, बीआर, बीफार्म सब इंक्लूडेड है। उसमें से 22,343 का रैंक आया है। तो बीटेक आपका 9,651 बच्चे अप्लाई किए थे, उसमें से आपका रैंक आया है 7,256 बच्चे का। तो इस हिसाब से आप अगर बी फार्म की बात करें तो उसका 4,093 बच्चे अप्लाई किए थे, रैंक आया 3,243 का। इस हिसाब से अगर आप एमबीए की बात करें उसका 6,000 बच्चे अप्लाई किए थे, 4,566 बच्चे का रैंक आया। तो आपका बीटेक के लिए आपका 15 लाख से आपका रैंक शुरू होगा। जेई मेन जैसा 1 से 15 लाख तक जेई मेन रैंक जाएगा, और ओजेई जो जिन बच्चे ने दिए थे बीटेक काउंसिल में उनका 15 लाख से रैंक शुरू होगा। और लेटरल एंट्री डिप्लोमा के लिए रैंक शुरू होगा 18,001 से, और एमबीए के लिए 9,001 से, एमसीए के लिए 8,001 से। कंफ्यूजन आप मत होना कि आपका 15 लाख से रैंक आ गया तो क्या बहुत बड़ा रैंक आ गया, ऐसा मत सोचना। 15 लाख से आपका रैंक शुरू होता है बीटेक के लिए, तो कंफ्यूजन मत होना। तो जेई मेन जिस दिन बच्चे ने दिए थे तो उनका तो अभी मॉक अलॉटमेंट आ गया, और राउंड वन अलॉटमेंट आपका अक्टूबर 1 तारीख शाम 5 बजे आ जाएगा। और ओजेई जब दिए हैं जो रिजल्ट अभी निकला, अभी 26 तारीख जो निकला, उनका जो काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा कब से, तो उनका 15 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक उनका रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग चलेगा। उस हिसाब से उनका जो फाइनल राउंड आएगा 22 अक्टूबर। तो उसके बाद आपका जो पार्ट पेमेंट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो अभी आपका टेंशन मत लेना। अभी आपका ओनली ओजेई का जो स्टार्ट होगा 15 से, अभी जेई मेन का चलेगा। और जिस बच्चे ने अभी जेई मेन दिए हैं उनका राउंड 1 अक्टूबर 1 से आएगा। अक्टूबर 1 के बाद उनका जो सेकेंड राउंड आएगा 14 अक्टूबर। तो जेई मेन काउंसलिंग जिस बच्चे ने किया था उनका जो 25 तारीख से, तो आपका जो चॉइस लॉकिंग तो खत्म हो चुका है। अभी आपको टेंशन मत लेना है, राउंड 1 तक वेट करना है। राउंड 1 में क्या क्या कॉलेज आता है उस हिसाब से आप देखोगे। अगर कॉलेज नहीं आता है भाई, टेंशन मत लेना है, आपका राउंड 2 में जरूर आ जाएगा। अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही।